hello my dear students i welcome you again so children this is the part 2 of chapter 4 sorting materials into groups so children in the previous video we have learned about some properties of sorting materials into groups so now we will continue in this video also so let's know about the next property is physical state चिल्ड्रेन फिजिकल स्टेट दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास देर आर थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज वॉट इज मैटर एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर वॉट इज मैटर मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैस मास सो वॉट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज सो ऑल दिस सब्सटेंसिस ऑल दिस स्टेट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी कैन ईजिली क्लासीफाई द सब्सटेंसिस यानी कि इस बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को इंटू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज

then let's know more about about this topic so let's uh, let's start the solids <coughs> they have definite shape yani ki inka jo shape hota hai wo definite hota hai theek hai liquids they do not have a definite shape jo liquid humko pata hai jo liquid hota hai usko koi definite shape nahi hota hai ठीक है हम इसको जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप में कन्वर्ट हो अगर हम ग्लास में डालेंगे लिक्विड को तो ग्लास का शेप हो जाएगा अगर हम किसी बोल में लेंगे तो बोल का शेप हो जाएगा ठीक है अगर कोई बकेट में लेंगे तो बकेट का सो गैसेज दे डो नॉट हैव अ डेफिनेट शेप जो गैसेज होते हैं उसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है ठीक है सो दे ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम तो जो भी उनको स्पेस मिलता है उसका वो स्पेस uh, लेकर उसमें ऑक्युपाइड हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो उसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है देन सेकेंड इज दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम यस जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ठीक है लेकिन लिक्विड लिक्विड ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट जो गैस होता है उसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है देन थर्ड इज़ दे कैन नॉट फ्लो जो सॉलिड्स होते हैं देट वी नो चिल्ड्रेन सॉलिड थिंग्स हार्ड होती हैं ठीक है तो वो फ्लो नहीं हो सकती यानी वो बह नहीं सकती लिक्विड्स लिक्विड्स कैन ईजीली फ्लो ठीक है इन ऑल डायरेक्शन अगर हमारे हाथ से कोई ग्लास गिर जाता है दैट इज़ फिल्ड विद वाटर तो वो अगर गिर जाता है तो आप देखते हो कि पानी फ्लो इन ऑल डायरेक्शन्स गैसेस गैसेस दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन यस गैस जो होती है वो भी इन ऑल डायरेक्शन में फ़्लो कर सकती है जैसे हम जानते हैं कि जो गैसेस होती है जैसे uh, जो हम ब्रीथिंग में यूज़ uh, करते हैं जैसे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ऑल्सो फ्लो इन ऑल डायरेक्शन ठीक है जहाँ पे भी एयर होगी ठीक है वहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तो दे केन ईजली फ़्लो इन ऑल डायरेक्शन फोर्थ इज़ दे कैन नॉट डिफ्यूज़ दे कैन नॉट डिफ्यूज़ मीन ये uh, फैलती नहीं है ठीक है जो डिफ्यूज जो सॉलिड थिंग्स होती है वो फैलती नहीं है लेकिन लिक्विड थिंग दे कैन डिफ्यूज़ ईजली इन अदर लिक्विड जो uh, जो अदर लिक्विड जैसे लिक्विड है अगर हम uh, किसी लिक्विड को आना जैसे मिल्क एंड वाटर का एग्जांपल हम लेते हैं ठीक है मिल्क इज़ आल्सो लिक्विड वाटर इज़ आल्सो लिक्विड तो हम अगर मिल्क uh, और लिक्विड को दोनों को मिक्स कर देंगे ठीक है तो दे कैन ईजली डिफ्यूज यानी कि वो आपस में फैल जाएंगे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे गैसेस दे दे डिफ़्यूज इजली एंड वेरी क्विकली येस सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैस होती है सॉलिड तो डिफ्यूज होती नहीं है ठीक है लिक्विड होती है लेकिन जो गैस होती है वो बहुत ही जल्दी फैलती है ठीक है और बहुत ही ईजली डिफ्यूज़ हो जाती है दैन लास्ट इज दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड यानी कि जो सॉलिड थिंग्स होती है हम उसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते यानी कि अगर आप सॉलिड थिंग्स uh, जैसे आपने स्टोन लिया आप उसको दबा के देखेंगे तो वो कंप्रेस्ड होगा क्या वो दबेगा लोग तो इट इज़ दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड लिक्विड्स दे कैन बी कंप्रेस टू एन एक्सटेंट ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं लेकिन एक लिमिटेशन तक एक लिमिट तक ठीक है देन गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल यानी कि जो गैसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली और हाईली कंप्रेसिबल होती हैं यानी कि बहुत ईजिली कंप्रेस्ड हो जाती हैं ठीक है सो आई थिंक फिजिकल स्टेट इज़ क्लियर चिल्ड्रेन तो ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे सॉलिड uh, में हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट अगर हमें आपको कुछ ऑप्शन दूँ या फिर कोई एक्टिविटी दूँ जैसे आई एम गिविंग यू डस्टर ठीक है डस्टर ठीक है एंड सेकेंड एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड एग्ज़ाम्पल आई एम गिविंग यू लेमन जूस तो आप इनको किस ग्रुप में डिवाइड करोगे अच्छा सॉलिड में आप किस को रखोगे आई थिंक डस्टर डस्टर इज सॉलिड तो आप तो uh, डस्टर किस कैटेगरी uh, में किस ग्रुप में डिवाइड हो गया सॉलिड में ऑन द अदर साइड जो लेमन वाटर था जो हमारा लेमनेट था तो लेमेनेट को हमने किस में डाला क्योंकि जो नींबू पानी होता है वो लिक्विड होता है तो हमने किस कौन सी ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया लिक्विड्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ठीक है क्योंकि इसमें सारी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है गैसेस में वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड में होती है ठीक है तो इसके बेसिस पे हमने इसको कौन से ग्रुप में डिवाइड कर दिया गैसेस में सो so, इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस सो लेट्स नो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी मटेरियल्स कैन बी ग्रूप ऑन द बेसिस ऑफ़ देयर सॉलिबिलिटी इन वाटर सॉलिबिलिटी इन वाटर मी दोज थिंग्स कैन डिज़ोल्व इन वाटर ऐसी चीज़ें जो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं यानी कि सॉलिब घुल जाती है मिल जाती है अच्छे से मिक्स हो जाती हैं ठीक है ठीके? और जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते जैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ठीक है ठीके? उनको अलग से सेपरेट uh, नहीं कर सकते वो ईजिली उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं तो उनको हम सॉलिबिलिटी कहेंगे ियल डैट वी गेट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल सोलबल तो ऐसे सब्सटेंस और सॉरी ऐसे मटीरियल जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं यानी कि पानी में मिल जाते हैं इन्हें हम कहते हैं सोलिबल सब्सटेंसेज वेयर इज द सब्सटेंसिस दैट डो नॉट डिजॉर्व और ऐसे सब्सटेंसेज जो डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में उनको हम कहते हैं इन सोलिबल सब्सटेंसेज यानी कि जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं सब्सटेंसेस सच है सॉल्ट एंड शुगर जो सॉल्ट एंड शुगर होती है वो आपने देखा होगा कभी भी जब आप नींबू पानी बनाते हैं या फिर ठीक है जब भी आप सॉल्ट और शुगर को मिक्स करते हैं तो देखें ईजिली डिज़ोल्व ठीक है आप फिर फाइंड आउट भी नहीं कर सकते कि शुगर कहाँ पर है सॉल्ट कहाँ नहीं सॉल्ट कहाँ पर है वो पानी में इतने अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं सो दे ऑल आर सॉलीबल सब्सटेंसेज ऑन द अदर हैंड साइड सैंड स्टोन एंड वैक्स ठीक है तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में वाटर में डिज़ॉर््व नहीं होते हैं दे कैन नाट डिजॉल्व डिज़ॉर््व इन वाटर अगर आप सैंड को स्टोन को वैक्स क्या होता है वैक्स स्टिकी सब्सटेंस थोड़ा सा ऑयली थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस होते हैं ठीक है तो ये आ, कभी भी आ, जो पानी में डिज़ॉर््व नहीं होते तो सैंड और स्टोन को अगर आप डिजॉर्व भी करोगे तो ये पानी में डिजॉर्व नहीं होंगे ठीक है फ्लोट होंगे या फिर सिंक हो जाएंगे तो ऊपर ऊपर आ जाएंगे या फिर नीचे बैठ जाएंगे तो ये डिजॉर््व नहीं हो रहे हैं किसी किसी भी तरह पानी में तो इन मटीरियल्स uh, और इनको हम इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस देयर आर सम लिक्विड दैट डिसॉल्व इन अदर लिक्विड्स द लिक्विड्स व्हिच गेट मिक्स्ड विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स तो ऐसे लिक्विड्स जो किसी अनदर लिक्विड्स में किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव मिल्क ठीक है देन ऑन अधर है वी हैव वाटर ठीक है आप लेमन ले लो तो कुछ लिक्विड जैसे आपने कुछ शरबत रूह अफ्जा की बॉटल ली दैट इज ऑल्सो लिक्विड आप उसको पानी में मिक्स करते हो तो ऐसे लिक्विड जो दूसरे लिक्विड पे ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं तो दीज लिक्विड्स आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स ठीक है इसमें हम सब ध्यान देना चिल्ड्रन हम इसमें सिर्फ लिक्विड्स की बात करें ऐसे लिक्विड्स जो दूसरे लिक्विड्स में डिजोल्व हो जाते हैं दैट इज़ वी कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स सच एज़ वाटर एंड मिल्क

वो दे कैन नॉट डिज़ोल्व इन अदर यानी कि वो आपस में डिजोल्व नहीं होंगे जैसे ऑयल एंड वाटर ऑयल एंड वाटर को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमेशा हम देखते हैं ऑयल हमेशा ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे क्योंकि ऑयल कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है तो ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स सो चिल्ड्रेन क्लियर मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स सो डू यू नो सम गैसेज डिजोल्व इन वाटर सच एज ऑक्सीजन कार्बन डाई ऑक्साइड जो ऑक्सीजन और कार्बन डाईऑक्साइड जो होती है ये गैसेज होते हैं जो पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाती हैं ठीक है तो क्योंकि जो ऑक्सी जैसे वाटर एनिमल्स होते हैं जैसे फिश होती है तो वो अगर uh, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में भी प्रेजेंट है ठीक है इसकी वजह से जो फिश है दे कैन ब्रीद अंडर द वाटर ऑल्सो ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर देन लेस्ट नो अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग सी चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर यानी कि सम ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं यानी कि फ्लोट करते हैं सम ऑब्जेक्ट सिंक सिंह ही जो नीचे बैठ जाते हैं यानी डूब जाते हैं इनको सिंक इन वाटर दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टू फ्लोट इन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन तो जो uh, ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो पानी में फ्लोट करते यानी कि ऊपर तैरते हैं सिंक नहीं करते फ्लोट कर रहे हैं इनको हम कहेंगे फ्लोटेशन मटेरियल सच एज वुड रबर प्लास्टिक ड्राई लीव्स फ्लोट ऑन वाटर जैसे वुड uh, से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हो गए ठीक है ऑब्जेक्ट्स हो गए रबर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स uh, हैं प्लास्टिक के कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं ड्राई लीव्स हैं ये हमेशा आप ऑब्जर्व करना हमेशा पानी में फ्लोट करते हैं इनसे बनी हुई चीज़ें भी हमेशा पानी में फ्लोट करती हैं वेयर इज ऑन द अदर हैंड साइड जैसे स्टोन्स पेबल्स रॉक्स एंड आयरन मेटल से बनी हुई चीज़ें ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं दे सिंक इन वाटर ये हमेशा पानी में आप जब इन चीज़ों को इन ऑब्जेक्ट्स को पानी में डालोगे दे ऑलवेज सिंक इन द वाटर यानी कि वो पानी के नीचे चले जाएंगे यानी कि डूब जाएंगे सो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग क्लियर अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हमने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिनको हम डिवाइड uh, करेंगे यानी कि शॉर्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग द फर्स्ट वन इज़ फन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सम प्लास्टिक टॉय तो प्लास्टिक टॉय फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा प्लास्टिक ऑलवेज फ्लोट प्लास्टिक वेरी लाइट in वेट सी children लिसन वन मोर थिंग फ्लोटेशन एंड सिंकिंग जो फ्लोटिंग और सिंकिंग है ये हम किस बेसिस पे जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी एंड बो एंड फोर्स बो एंड फोर्स हमने क्लास फिफ्थ में भी पढ़ा था अपथ्रस्ट फोर्स और बो एंड फोर्स ठीक है तो ऑफ एंड ऑब्जेक्ट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम है तो वो चीज़ें हमेशा फ्लोट करती और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वाटर से ज्यादा है तो ऐसी चीजें पानी में सिंक करती हैं तो इट इज़ बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड बोए एंड फोर्स देन वी हैव सम ऑब्जेक्ट्स यमॉल प्लास्टिक टॉय तो आई थिंक दिस इज दिच कैटेगरी यू विल डिवाइडेड किस कैटेगरी में आप इसको रखोगे जो प्लास्टिक का टॉय तो है, फ्लोट करेंगे कि सिंक करेंगे फ्लोट येस रबर बॉल रबर बॉल भी फ्लोट करेगी येस yes. मेटेलिक की जो मेटल metal, जो मेटल्स होते हैं चिल्ड्रन कीप इन माइंड जो मेटल से बनी हुई चीज़ें होती है वो हमेशा सिंक करती है क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है तो दिस इज कम इन द कैटेगरी ऑफ सिंक देन स्टील स्पून स्पिन जो स्टील है वो भी मेटल से बनी है तो वो भी ऑब्वियसली उब, सिंक करेगा बर्ड के फैदर दे आर वेरी लाइट इन वेट ये फ्लोट करेंगे वुडन ब्लॉक वुडन से वुड से बनी हुई चीज़ें वो भी फ्लोट करती हैं ठीक है थीके? कॉटन बोल कॉटन जो होती हैं दैट इज येस कॉटन भी फ्लोट करेगी सिंक नहीं करेगी कॉटन इज वेरी लाइट इन वे एज यू नो पेंसिल पेंसिल इट इज मेड ऑफ वुड तो वुड से बनी हुई चीज़ें फ्लोट करती हूँ तो पेंसिल भी फ्लोट करेगी तो इट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ फ्लोट पीस ऑफ पेपर फ्लोट येस एंड स्टोन येस स्टोन इज कम इन द कैटेगरी ऑफ सिंक सो वॉट इज द कंक्लूजन नाउ चिल्ड्रन समब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर बाय सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर सो नाउ इट इज़ क्लियर वॉट इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरते हैं जो सिंक नहीं करते ऊपर पानी के ऊपर ही रहते हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ फ्लोट और ऐसी चीजें जो पानी जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है ठीक है तो ये चीज़ सिंक करती है यानी कि पानी के नीचे चले जाती हैं डूब जाती है तो, तो हमने इन किस बेसिस पर इनको शॉर्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग सो चिल्ड्रेन i'm going to finish this video here so keep watching the next part so rest of the topics we will clear in the next video keep watching the video and study well, uh, study well at your homes take care thank you